महत्वपूर्ण चीजें भूलने की आदत सी हो गई है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। मैं उन्हें कुछ चीजें याद दिलाना चाहती हूँ। आर्टिकल 19(1)(a) भारत के वासी को फ्रीडम ऑफ स्पीच की गारंटी देती है, पर भाजपा सरकार के यहाँ अगर हम कुछ बोले तो हम जेल में जाते हैं या तो हम एंटी नेशनल बन जाते हैं। जीरी का भाव 1500 रुपए क्विंटल आ गया है, जो 2014 में 5000 रुपए क्विंटल था। खाद, कीटनाशक और ढुलाई की कीमतों में भारी बढ़ोतरी आई है। हरियाणा में पहले किसान एक महीना पहले अपनी फसल मंडी में गिरा चुके हैं, पर अभी तक उनको मुआवजा नहीं मिला। There has been an attack on the fundamentals of our constitution, whether it be our democratic structure, our secular ethos, or whether it be justice and equality. There has been injustice across our country. Inequality has been spreading across this nation. Whether it be any state or any place. सरकार ने 17 सितंबर 2020 को ऐसे अध्यादेश लेकर आई थी जिससे किसान भाइयों का बहुत बड़ा नुकसान है। बीजेपी सरकार ने जो किसान भाइयों के लिए ऐसी पीड़ा जो कानून बनाकर खड़ा किया है उसको अब कम करना बहुत ही मुश्किल होगा। आज एक ऐसे समय में जब देश की अर्थव्यवस्था इतनी खराब स्थिति में है, उस समय RBI के गवर्नर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर किसी अर्थशास्त्री की जगह एक इतिहासकार को बिठाना, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी नासमझी है। मोदी जी ने एक बार ये कहा है कि कांग्रेस को सेव द कॉन्स्टिट्यूशन 100 बार बोलने की आवश्यकता है, पर मैं बस ये याद दिलाना चाहती हूँ कि मोदी जी पहले आप कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ लीजिए, KYC, नो योर कॉन्स्टिट्यूशन। And when the Indians come together, when India comes together to fight, we win. And that is what will happen. We cannot lose hope. We need to have the grit and determination to fight for this country and our constitution. Jai Hind.